नेपाल के दो सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े शहर काठमांडू और पोखरा दोनों ही नेपाल के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहर हैं। काठमांडू और पोखरा के बीच की हवाई दूरी 146 किलोमीटर यानी 91 माइल्स है। अगर आप काठमांडू की तुलना पोखरा से करते हैं तो काठमांडू पोखरा की तुलना में कहीं ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं पोखरा काठमांडू की तुलना में ज्यादा शांत है, पहाड़ियाँ नजदीक हैं और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। यकीन ना हो तो नेपाल सीरीज के एपिसोड 2 से लेके एपिसोड 5 तक देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। कुछ कुछ यकीन तो आपको ये क्लिप्स देखकर हो भी गया होगा। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको दोनों शहरों के नज़ारे बारी बारी से दिखाऊंगा ताकि आप देख कर ये खुद पता लगा सके कि कौन सा शहर बेहतर है। आपका क्या ओपिनियन है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोनों शहर आपको कैसे लगे और आपके हिसाब से कौन सा बेहतर है? काठमांडू से पोखरा तक की यात्रा कैसे करें? काठमांडू और पोखरा के बीच यात्रा करने का सबसे तेज और सबसे आरामदायक तरीका है हवाई जहाज से यात्रा करना। यह बहुत ही खूबसूरत उड़ान है, खासकर यदि आप विमान के दाहिनी तरफ बैठते हैं तो आप हिमालयन रेंज की दूर दूर तक के खूबसूरत नज़ारे और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ देख सकते हैं। बुद्धा, येति और समरिक, ये तीनों नेपाल की बड़ी एयरलाइंस। हवाई दूरी 146 किलोमीटर है। त्रिभुवन हवाई अड्डे के डोमेस्टिक टर्मिनल से आपको डेली कई उड़ानें मिल जाती है। यात्रा टोटल 30 मिनट की है। उड़ानें रोजाना चलती हैं। आखिरी उड़ान दोनों तरफ से लगभग 3:30 बजे निकलती है। अगर आप मुझसे पूछें कि नेपाल में कौन सी एयरलाइंस सबसे बढ़िया है तो मैं कहूँगा बुद्धा एयरलाइंस। अनुभवी पायलट, बड़ी ग्राउंड टीम और चालक दल जो इसे नेपाल की एयरलाइंस में टॉप पोजीशन पे रखते हैं। फ्लाइट की यहाँ डेली सर्विस है। दिन की आखिरी उड़ान दोनों तरफ से लगभग 3:30 बजे निकलती है। टिकट फेयर मौसम के अनुसार बदलता रहता है। आप टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं और ट्रेवल एजेंसी से भी खरीद सकते हैं। एक तरफ का टिकट का प्राइस लगभग $120 है जो कि 4800 से 10,000 नेपाली रुपए यानी कि 3,000 से 6,250 के भारतीय रुपए के बीच वैरी करता रहता है। ट्रैवल करने का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है बस में ट्रैवल कर। काठमांडू में गोंगबाओ काठमांडू बस स्टेशन, इसे काठमांडू का मुख्य बस टर्मिनल या फिर नया बस पार्क भी कहा जाता है। यहीं से आपको पोखरा और बाकी लॉन्ग डिस्टेंस की सभी बसें मिल जाएंगी। वर्तमान में एक टूरिस्ट बस में काठमांडू से पोखरा बस टिकट की औसत कीमत 600 से 800 रुपए है। लोकल बसेस में 450 नेपाली रुपए में आप काठमांडू से पोखरा और पोखरा से काठमांडू की यात्रा कर सकते हैं। पोखरा से काठमांडू आने के लिए बस आपको पृथ्वी चौक से मिल जाती है। ऑटो या टैक्सी लेकर लेक साइड से आप यहाँ सिर्फ 200 रुपए में पहुँच सकते हैं। रात 8 बजे ये बस पोखरा से चलती है और अगले दिन सुबह 5 बजे आपको काठमांडू उतार देती है।
अगर आप ज़्यादा अच्छी सर्विस चाहते हैं तो ग्रीन लाइन बस सर्विस है, जो रोज़ सुबह 7:30 बजे थामिल में गार्डन ऑफ ड्रीम्स के सामने एक छोटे से बस पार्क से चलती है। टिकट है $25 की या फिर 3,000 नेपाली रुपए की, और इंडियन करेंसी में ये 1830 रुपए बनते हैं। इसमें आपको एक लंच बफे और रास्ते में कुछ स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ वेटिंग के लिए आपको इंडोर वेटिंग रूम भी मिल जाता है। नेपाल क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ सड़कों का काम बहुत जोर शोर से आजकल चल रहा है, इसी वजह से आपको जगह जगह मिट्टी में फंसी हुई बसें, दो पहिया वाहन मिल जाएंगे। और शायद ये कंस्ट्रक्शन का काम ही वो वजह है कि आपको 200 किलोमीटर पूरा करने में 5 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए आप रात में ट्रैवल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सोते सोते अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। रात में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका होटल का खर्चा बच जाता है। नेपाल बस सर्विस में खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि आप शाम को जितने बजे चाहें शुरू करें, आप सुबह 5:30 या 5 बजे ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। ये रात में हर जगह रुक रुक के आती है। आप यकीन करेंगे कि 172 किलोमीटर का डिस्टेंस हो या 272 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, ट्रैवल ये पूरी रात में ही करते हैं। तो होटल बुक कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चेक इन तो आप अगले दिन सुबह 6 बजे ही कर पाएंगे। इस तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए या सड़कों की इस कंडीशन के लिए हमें नेपाल को ब्लेम नहीं करना चाहिए। काठमांडू और नेपाल के बीच ट्रैवल करने का अगला ऑप्शन है टैक्सी या कैब से ट्रैवल करना। आप नेपाल में टैक्सी कैसे बुक कर सकते हैं? काठमांडू से पोखरा के बीच की ड्राइविंग की दूरी 212 किलोमीटर है। काठमांडू से पोखरा तक ड्राइव करने के लिए लगभग 5 से 7 घंटे का समय लगता है। टैक्सी अगर आप करते हैं तो टैक्सी का किराया 212 किलोमीटर के लिए कुछ इस तरह से होगा। अगर आप लेंगे 6 सीटर मारुति एटिगा तो आप एक दिन का 9,500 रुपया पे करेंगे। 8 सीटर के लिए टोयोटा हाइलस आपको 18,500 रुपये में मिलेगी। 7 सीटर टोयोटा इनोवा 12,500 रुपये, और टेम्पो ट्रेवलर जो कि 13 सीटर है 16,500 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये टैक्सी सर्विस या ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पैसे वाले हैं, आपका बजट आपको अलाव करता है, तो फिर आप मारुति एर्टिगा या कोई छोटी गाड़ी लेकर के भी जा सकते हैं। फिर अप्रोक्सीमेटली 8,000 से शुरू होगा। ये नेपाली करेंसी है, आप इसे 1.6 से डिवाइड करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास एक ऐप है जिसे कहा जाता है ईजी टैक्सी नेपाल। ये ऐप आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ओला उबर में है, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली नियरेस्ट अवेलेबल व्हीकल आपको दिख जाएंगे और उसके बाद आप उसके थ्रू ट्रैवल कर सकेंगे। अगर आपके मन में नेपाल ट्रैवल को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको काठमांडू और पोखरा में रहने के लिए होटल के बारे में बताऊँगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा।